जे तू बाबा ना करेगा है, जे तू बाबा ना करेगा असी केड़े दर जावांगे सामरे, असी केड़े दर जावांगे। ये भजन जो लिखा दिल्ली के भगत की बात पे लिखा, रोहिणी में रहने वाला एक प्रेमी जो नहीं जानता श्याम बाबा कौन है, कहां है, कैसे है, भजन सुन लिया यूट्यूब पे और मन में आ गया खाटू जाऊंगा। 6 महीने का बेटा धर्मपत्नी को साथ लिया, नेविगेशन में खाटू श्याम जी डाला, गाड़ी स्टार्ट करी, शाम को 6 बजे चला, 11:30 बजे खाटू पहुंच गया। रात को 1:30 बजे जब धर्मशाला में सोने लगा तो धर्मशाला के बाहर खड़ा था, 2 आदमी और एक औरत आई, बोले भाई चल निशान उठाने चलते हैं। बोला निशान क्या है? बोला जो भी खाटू आता है बाबा को ध्वजा चढ़ाता है, झंडा चढ़ाता है, 17 किलोमीटर पैदल आकर, और मान्यता है कि उसकी मुराद पूरी होती है और खाटू आना भी सफल होता है। तो बोला कोई भी चढ़ा सकता है? 5 मिनट बाबा जी, 10 मिनट से। बोले हाँ कोई भी चढ़ा सकता है। तो बोला तुम 2 मिनट रुको, मैं अंदर से कपड़े बदल कर आया और अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चे को भी लेकर आया, वो भी साथ में निशान उठाएंगे। ये सच्ची घटना है। जैसे ही अंदर जाने लगा धर्मशाला के बाहर एक फट्टे पर एक बाबा जी सो रहे थे। बाबा जी बोले भाई कहाँ जाता है? बोला निशान उठाने जा रहा हूं। बोले 11 भी नहीं है, पूरी सड़क सुनी रहती है, तू आज रहने दे, फिर कभी दोबारा एकादशी पे आना, चले जाना। बोले बाबा जी आपकी उम्र हो गई इसलिए आपको डर लगता है, हम जवान हैं, हमें डर नहीं लगता, हम जाएंगे। वो अंदर गया, जितने में रेडी होकर आया इतने में बाबा जी भी तैयार हो गए, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बोले क्या करोगे बाबा जी साथ जाकर? बोले ले चल तेरे काम आऊंगा। बाबा जी साथ चले गए, रिंगस से निशान शुरू उठाया और चल पड़ा खाटू की ओर। वो 2 आदमी और औरत उसे लूटने की इच्छा से थे, लेकिन वो बाबा जी उसके साथ थे। उस बुजुर्ग को उनके साथ देखकर वो तीनों भाग गए। अब रात को अकेले पहली बार रिंगस से खाटू निशान लेकर 6 महीने का बच्चा हाथ में है। बाबा जी को बोला बाबा जी आप साथ ही रहना, हम अकेले पड़ गए। बाबा जी बोले थे मैं तेरे काम आऊंगा, चिंता मत कर, तुझे दर्शन करवाऊंगा श्याम बाबा के। बाबा जी साथ लेकर आए, दर्शन करवाया, तोरण द्वार पर खड़े हो गए आकर वापस, और वहां से बाबा जी बोले जा खाटू में, जहां रुकना है वहां रुक जा। बोला बाबा जी जिस धर्मशाला में रुका था वहां से ये गलत लोग मिले, तो कोई और धर्मशाला बता दो जिसमें मैं रुक सकूं, जहां पर आपकी बात बनती हो, जहां आपकी चलती हो। बाबा जी के मुख से आवाज आई जा किसी भी धर्मशाला में चल जियो, यहां का पत्ता पत्ता मुझे जानता है, इंसान ही नहीं यहां के जानवर भी मुझे जानते हैं। प्रेमी बोला आप खाटू वाले श्याम जी हो ना? बाबा जी मुस्कुराए और वापस चले गए। प्रेमी ने बाबा के दर्शन मंदिर में किए, लेकिन उसको अंदर से आवाज आई कि तेरे अंदर भी मैं था, तेरे बाहर भी मैं था, मंदिर के अंदर भी मैं था और तोरण द्वार पर भी मैं था। तब प्रेमी दिल्ली आकर बोला भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी क्या बात है, शाम पुकारा है, कहा हो बाबा शाह, कहा हो बाबा शाह,
मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने तेरा। कौन कौन सुनना चाहता है, आओ जरा। वन टू थ्री फोर। ताली बजे प्रेमी, दो दो घंटे से खड़े हैं, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप ताली बजाए ना बजाए, लेकिन उसके दरबार में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। जो बैठे हैं जरा ताली बजे आनंद से। जितना आनंद नहीं आया इस समय आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा ताली बजा। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो, भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो, उमज धार में नहीं आ, धार में नहीं आ है, बड़ी दूर की नारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, ये इस भजन की सच्चाई मरघट वाले दरबार से। एक प्रेमी जिसको 450 शुगर हर टाइम रहती थी, नौजवान 30 साल का, उसने जाकर 15 दिन तक ये भजन सुनाया मरघट वाले को, मरघट वाले का नाम लेकर। और उसका फोन आया, बोले कन्हैया जी इस भजन में चमत्कार है, जरूर सुनाया करो। मैं बोला क्यों? बोला मुझे
450 शुगर रहती थी और जितना कमाता था दवाइयां लाता था। मरगट वाले को सुनाया 15 दिन, आज डॉक्टर भी कहता है तेरी दवा पता नहीं किसने लगा दी साहब, तेरे को कुछ नहीं है। प्रेमी बोला नहीं नजर आओगे, नहीं दिखोगे तो सुनो बाबा, कब तक रोएंगे कब तक रुलाओगे, भैया आपका क्या नाम है? अंकित, कहां से? करोलबाग। मैं चंडीगढ़ से कल मफलर लाया था, तो कल चंदन नगर में कीर्तन था, गाते गाते किसी को दे दिया था, आपने देखा था ना, बच्चे को दिया था। तो आज मैं जब अभी कीर्तन में आया तो जैसे जैसे ठंड पड़ती है गले में लगती है, तो मैं बाबा से बोल ही रहा था कि कोई मफलर दे जाए तो मैं लगा लूं साथ। सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अभी खरीद के लाया था, और एक अपने लिए, एक आपके लिए, और एक 11 के दिन के लिए आपके। अभी खरीद के लाए हो? वाह, मैंने मांगा और ये खरीदने चले गए। ये कब तक रोएंगे कब तक रुलाओगे, तुम्हें तरस नहीं आता हमें कितना सताओगे, मेरे सामने मेरे दिल के राजा हो, खाटू में रहता है कभी मिलने आ जा, कब तक रोएंगे कब तक रुलाओगे, तरस नहीं आता हम कितना सताओगे, मित्तल की किस्मत को हारों की किस्मत को तुमने ही संवारा है, भीगी पलकों ने नाम पुकारा है, आज किस किस को भजन अच्छा लगा। ये भजन कन्हैया मित्तल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप सिर्फ डालना भीगी पलकों पे। हाँ जरा ताली बजे। अभी लिखेंगे भजन, एक बार और बजाओ। जब जब फागण मेला आए बाबा को तेरी याद सताए, जब जब रंगों के त्योहार में प्यारे क्यों रह जाए रे, खाटू आ जा प्यारे तुझको शाम बुलाए रे, खाटू आ जा प्यारे। देखो भजन प्रेमियों के साथ बनते हैं, अच्छा लगा। इस फागुन मेले में गाएंगे इसको, एक बार और याद हो जाए तो जरा ताली बजाए प्रेम से। जब जब फागुन मेला आए बाबा को तेरी याद सताए, जब जब
तेरी याद सताए, रंगों के त्योहार में तू बेरंग रह जाए रे। खाटू आजा प्यारे मेरा शाम बुलाए रे, प्यारे मेरा शाम बुलाए रे। वो भीगी पलकों ने शाम पाया बाबा शाम। कहाँ हो बाबा शाम, वो मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने आइए देखो